देखो गाइस, सुबह के बजे है 5:30। हम लोग उठ गए। ये हम लोग की चाय बन रही है। ये मेरी बहन उठ गई अभी। ये समीर सो रहा है अभी। ये उठे बाबा, उठो, 5:30 बज गया, उठो। चलो गाइस, चाय बन गई, चाय पियेंगे। बहुत टाइम हो गया, हम लोग को जल्दी निकलना है, तो चाय पी के हम लोग निकलेंगे। तो आप चाय पी लो, आइए आप लोग भी चाय पीने। देखो गाइस, 6 बज रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे बाहर। चलो अल्लाह हाफिज़। हमारी बिल्ली चालू है, लिप चालू है, 5:30 हो गए। वालेकुम सलाम। बाहर जा रहे हैं। हाँ समीर भाई, सलाम करो ना। वालेकुम सलाम। कितना बजे सुबह के? 5:30 बजे समीर भाई को आज हम लोग ने उठा दिए। हमारी लिप आ गई आज, अल्लाह का शुक्र है। लिप जल्दी चालू हो गई, नहीं 5:30, 6:45 हो गया। हाँ लिप चालू है। चलो गाइस, देखो 5:45 बज गया। ये सुबह का नज़ारा है यहाँ का, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्डिंग के नीचे हम लोग उतर गए। देखो कितना अंधेरा लग रहा है गाइस। ये ऊपर रोड पे जा रहे हम लोग, मेरी बहन आगे जा रहे है और समीर आगे जा रहा है। अंधेरा काफ़ी है। देखो सुबह हमारे हाईवे का नज़ारा। ये हमारा महाड़ा अंधेरा ग्रुप वगैरह, अभी कोई पब्लिक नहीं है। हम लोग को ऑलरेडी रिक्शा मिल गई, हम लोग रिक्शे में जा रहे हैं। देखो गाइस, ये है मद्रासवाड़ी। और ये है भी शिप कंपनी के पास हम लोग जा रहे हैं। हेलो गाइस, सुबह के बजे है 8 और अभी हम हैं ये महाकाली में। सत्य साई बाबा ट्रस्ट है, वहाँ पे हम लोग आए हैं मेरी बहन का आँख का हॉस्पिटल का बताने के लिए। ये हॉस्पिटल है जो यहाँ पे 6 बजे आना पड़ता है सुबह में, तो आपका नंबर लगता है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल में हम लोग लाइन लगा के बैठे हैं अभी। अभी हमारा नंबर आया नहीं है, अभी हम लोग लाइन लगा ले हैं। चलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग का हो गया, अभी घर पे मिलेंगे आपको। बाय बाय। हेलो, है ना, अपन घर पे जा रहे हैं ना अभी। घर पे क्या हम लोग इधर नाश्ता किए, गरम गरम वड़ा पाव भजिया पाव खाए, इधर बैठे हम लोग रिक्शे का रास्ता देखते। नाश्ता कर लिया ना भाई?
हम लोग नाश्ता कर लिए और बैठे हम लोग अभी शिकार रास्ता देखिए। गरम गरम नाश्ता था, थोड़ा पाव भुजिया पाव खा लिए हम लोग। चलो अभी रिक्शा पकड़ेंगे फिर घर पे जाएंगे। देखो गाइस ये माँ काली गुफा है, गुफा है, देखो गुफा। मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर से बता रहा हूँ, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये माँ काली गुफा है, माँ काली गुफा। हाँ गुफा गुफा गुफा। ये भी है ना गुफा, ये भी इतना बड़ा है पूरा। हाँ ये ऊपर पूरा ऊपर चढ़ा नहीं ना ऐसा। ये मेरे ख्याल से कोई त्यौहार में खोलता लगता ना, शिवरात्रि इसमें खोलता है। हाँ हाँ शिवरात्रि का मेला। अच्छा इसके अंदर ही लगता है क्या? अच्छा देखो गाइस हम लोग पूरा महाकाली पार कर दिए, पर हम लोगों को रिक्शा मिलने को तैयार ही नहीं। क्या मालूम रिक्शे वाले से क्या दुश्मनी हो गई। हम लोग को सुबह सुबह वो जॉगिंग करा रहा है, बोलता तुम लोग वॉक करो, रिक्शा कोई नहीं आएंगी। हम लोग ने रास्ते में नाश्ता भी कर लिए पर रिक्शा आने को तैयार ही नहीं। अरे कोई तो अल्लाह का बंदा आ जाओ रे बाबा। गाइस ऑलरेडी हम लोग को अभी रिक्शा मिली, पूरा महाकाली चल के आए हम लोग, कमलिस्तान स्टूडियो के पास हम लोग को रिक्शा मिली। और अभी रिक्शा तो मिल गए पर ट्रैफिक बहुत है। आप चलो घर पे मिलेंगे आपसे, बहुत ट्रैफिक है। आज हम लोग गए थे हॉस्पिटल, महाकाली हॉस्पिटल। तो गाइस मेरी बहन के आँख में मोतीबीन हो गया और वो पक गया है। तो हम लोग गए थे सत्य साई बाबा ट्रस्ट है महाकाली में। अगर आपको भी जाना है तो आप लोग भी जा सकते हैं वहाँ। एकदम फ्री, एकदम फ्री, टोटल फ्री में ऑपरेशन आपका होता है आपका। गाइस वहाँ पे आपको 3 से 4 महीना लगेगा प्रोसीजर के लिए, क्योंकि देखो वहाँ फ्री है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। प्राइवेट में जाओगे तो पैसा लगेगा, फटाफट काम हो जाएगा। तो ये सत्य साई बाबा महाकाली में है, MIDC महाकाली भी बोल सकते हैं आप, और शिव के आगे महाकाली भी बोल सकते हैं आप। तो वहाँ पे सत्य साई बाबा का ट्रस्ट है, वहाँ पे आँखों का ऑपरेशन होता है। वो सिर्फ आँखों का ही ऑपरेशन का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई दूसरा नहीं होगा, सिर्फ आँखों का। पर वहाँ का प्रोसीजर आपको 3 से 4 महीने के इसमें आपको डेट मिलेगा। पहला चेकअप होएगा, फिर डेट मिलेगी, फिर आपका जब ये करके अभी आपका ऑपरेशन होगा। तो 3 से 4 महीना आपको लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, पर ये है कि आपको पहले दिन वहाँ पे 5:30-6 बजे आपको हाजिर होना है, क्योंकि दिन में वो एक दिन में सिर्फ 15 जन को वो लोग लेते हैं। एक दिन में सिर्फ 15 जन को, पहला था कि दिन में 10 जन को लेते थे, अभी उन लोगों ने 5 जन और बढ़ा दिया कि दिन में 15 जन को ही लेते, और वो भी शनिचर संडे और गुरुवार को बंद रहता है। जुमेरात शनिचर संडे को बंद रहता है, बाकी दिन खुला रहता है। अगर पहली बार आपको विजिट करना है, जाना है, तो आपको 5:30 से 6 के अंदर वहाँ पे टच होना है। आपको टोकन मिलेगा, टोकन के बाद आपको 8:30-8 बजे डॉक्टर आएगा, आपको रसीद बना के देगा, और रसीद बना के बाद आपको फिर डेट देंगे कि आप ये डेट को, फिर आपका चेकअप होएगा, फिर जो भी डायबिटीज़ है, जो शुगर है, वो चेकअप होएगा, उसके बाद आपको ऑपरेशन की डेट देगी, और उसमें आपको 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। पर इतना है कि आपको 3 से 4 महीना टाइम देना पड़ेगा।
क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है, वहाँ बड़े बड़े पैसे वाले अपना डोनेट करते हैं पैसा, जो भी है मदद करते हैं, तो उनके तरफ से वो आँखों का ऑपरेशन होता है, वहाँ पे ऐसी बात है। और आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको पैसा लगेगा। और दूसरी बात, ये हॉस्पिटल मुझे पता था क्योंकि मेरे पप्पू ने कुछ 25 साल पहले या 25-30 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, तो हम लोग को मालूम पड़ा था कि उन्होंने ऐसा ऐसा करा दिए थे। उसके बाद में 2014 में या 13 में फिर मैंने मेरे एक दोस्त की माँ को जब मैं बोला कि अगर ऐसा ऐसा है चलो अपन इंक्वायरी करते, क्योंकि ऐसा ऐसा मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे पप्पू ने कराए थे वहाँ पे और उनका एक रुपया भी नहीं लगा था, तो चलो अपन कराते। तो फिर हम लोग गए थे वहाँ जाके इंक्वायरी करे, तो फिर उनका भी हो गया, माशाल्लाह उनका भी हो गया और फ्री में, एकदम फ्री में। उल्टा ऑपरेशन करने के बाद में जब वो हम लोग ऑपरेशन करके निकले तो वहाँ पे एक स्टील की थाली और 5-6 बिस्किट का पैकेट और फिर बोलते एक कम्बल उनको गिफ्ट दिया, ऑपरेशन करने वाले को गिफ्ट दिया कि आप जाओ ऐसा बोल के, तो बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग मेरी बहन को लेके गए थे, अभी मेरी बहन को भी अभी 23 तारीख की डेट दिया है, अभी देखते हैं उनका भी हो जाएगा तो अच्छा है। अल्लाह करके आप लोग भी दुआ करो। और देखो मेरे हर ब्लॉग में आप लोग को मैसेज रहता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ अगर कुछ काम की चीज़ रहेगी तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे ज़रिए से, मेरे ब्लॉग के ज़रिए से अगर आप लोग की मदद हो सके या आप लोग का भी कुछ हो सका तो आप लोग भी करो। तो इसके लिए मैं कभी भी मेरे ब्लॉग में मैसेज देता हूँ मैं आपको, तो अभी मैं ये भी मैसेज दे रहा कि महाकाली में फ्री में आपका ऑपरेशन होता है 3-4 महीना, पर पहले दिन आप जाओगे विजिट करने के लिए तो आपको सुबह 5:30 से 6 बजे के अंदर आपको जाना पड़ेगा, और सिर्फ 15 जन को ही लेता है एक दिन, और जुमेरा शनिचर संडे बंद रहता है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आप लोग दुआ में याद रखो, प्यार रखो, और मेरे हर ब्लॉग में मैसेज रहता है तो आप लोग भी इसी तरह प्यार देते रहो, मैं भी इसी तरह के सामने अच्छी अच्छी बातें लाते रहूँगा। आज का ब्लॉग यहीं तक ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।